प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय SP स्मार्ट स्कूल में हूँ और ये जितने भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं 12th और 10th स्टैंडर्ड के हैं और स्कूल का बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग इन सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दें, इनके पेरेंट्स को और टीचर्स को। हम इनसे भी बात करेंगे, इनके टीचर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। और इस स्कूल का ऑलरेडी हर बार जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसकी पूरी मैनेजमेंट को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? अदिति। अदिति, कितने नंबर आए आपके और जिस स्कूल में आप पढ़ते हो कितनी अच्छी पढ़ाई है और फैमिली वगैरह सबका कितना सपोर्ट है? सर, मैंने 460 मार्क्स स्कोर किए हैं, डेट इज़ 92%। और सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मेरी स्टडीज़ को लेके, और स्कूल का भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डला है हमें। हार्ड वर्क तो मुझे लगता है सब कर लेते हैं, लेकिन एक गाइडेंस मिलना, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल ने काफ़ी हेल्प किया है, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होती थी हमारी। हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना सिखाया है SP स्मार्ट स्कूल ने, तो मुझे लगता है SP स्मार्ट की वजह से ही मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने अच्छे नंबर आएंगे, बट आई वॉन्ट टू थैंक माई स्कूल। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मान्य गुप्ता। मैंने आपका 4th रैंक आया, तो कितनी मेहनत आपने भी की और स्कूल के टीचर्स की कितनी मेहनत? मेरी मेहनत तो रही है और मेरे पेरेंट्स की भी बहुत मेहनत रही है, और साथ साथ मेरे जो SP स्मार्ट स्कूल है उनकी भी बहुत रही है, और जो हमारे टीचर्स हैं काफ़ी मोटिवेटिंग रहे हैं। और SP स्मार्ट जो हाइब्रिड सिस्टम था उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, एक दिन ऑनलाइन एक दिन ऑफलाइन, उससे हमारी एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चलती थी, हमारी VAT मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, और हमारे जो फाउंडेशंस थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हमारी। बहुत अच्छा। ये सभी स्टूडेंट्स हैं और हम इनके टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जयवर्धन सिंह बिलोरिया। जयवर्धन, आपने नीट भी क्वालिफाई किया है, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? क्या इसी स्कूल से ही मतलब पढ़ाई रहती थी या कहीं अलग अलग से कोचिंग भी लेते थे? क्या रहा सर? सर, मैंने फुल गाइडेंस SP स्मार्ट स्कूल से ली है। सर, यहाँ के जो प्रोज हैं वो ये हैं कि फर्स्टली तो यहाँ हाइब्रिड स्कूलिंग है, जिससे हमें काफ़ी घर में टाइम मिल जाता था सेल्फ स्टडी के लिए, और ऑफलाइन टीचर्स तो हमारी बहुत मदद करते थे। हमने काफ़ी मॉक टेस्ट भी दिए हैं नीट के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव रिलेटेड, और बाकी हमारा सिलेबस भी टाइम से कवर करा देते थे, मतलब बोर्ड और कॉम्पिटिशन दोनों का हमें करते थे। सर, आपका क्या नाम? सर, मैं सर रॉकी शर्मा। रॉकी जी, स्टूडेंट्स जिस तरह से बता रहे हैं कि स्कूल का बड़ा रोल रहा है, क्या आप कहेंगे इतना अच्छा रिजल्ट आया, कितना खुश है पूरा मैनेजमेंट स्कूल के? सर, स्कूल मैनेजमेंट एफर्ट्स करती है अपनी तरफ से बच्चों पे, वो रिजल्ट्स अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने हाइब्रिड मॉडल दिया सोसाइटी को, जिससे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया। तो इस साल हमारी आप 10th का अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो 95 एंड अबव जो हैं 37 स्टूडेंट्स हैं, एंड डिस्टिंक्शंस 250 से अबव आई हैं हमारी डिस्टिंक्शंस क्लास 10th में, और 12th की हमारी 15th पोजीशन आई है, जो कि जम्मू प्रोविज़न में फर्स्ट रैंक में, हम J&K में हम सेकंड रैंक में हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में हम फर्स्ट रैंक में आए हैं। सो ये एक कम्बाइन एफर्ट्स था, जो हमें पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया इसमें, इन बच्चों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, सोसाइटी ने हमें सपोर्ट किया, हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और बच्चों को हाइब्रिड मॉडल से पढ़ाया, जिसमें हम बच्चों को अब हम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि सोसाइटी में अभी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, तभी आउटपुट आएगी। तो हमने जब देखा कि सोसाइटी में जिस तरीके की नीड है, उसी तरीके का हमने मॉडल तैयार किया, जिसको हमने हाइब्रिड स्कूलिंग मॉडल कहा। बहुत अच्छा सर। तो ये है यहाँ की स्कूलिंग, और यहाँ की जो स्कूलिंग है इतनी अच्छी है कि आप देख लीजिए स्टूडेंट्स का कितना अच्छा रिजल्ट आया है। मैम, आपका क्या नाम है? आई एम शिल्पा। सर, शिल्पा जी, जिस तरह स्टूडेंट्स ने बताया कि आपका स्कूल बड़ा अच्छा बच्चों को सपोर्ट करते हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे पढ़ाई का, मैम क्या आप कहना चाहेंगे रिजल्ट के बाद, कितनी खुशी हुई बच्चों ने इतना नाम रोशन किया स्कूल? जी जी सर, इट वाज वेरी ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूशन में, जैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, 10th की भी फर्स्ट पोजीशन जो जम्मू प्रोविंस की है वो हमारे स्कूल की है, और 12th में भी हमारी 15 पोजीशंस आई हैं। ऑब्वियसली ये हार्डवर्क होता है स्टूडेंट्स का, सिंसेरिटी होती है टीचर्स की, और मैनेजमेंट का एक जॉइंट वेंचर होता है, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे स्कूल में हम हाईलाइट करते हैं, वो ये है कि सब बच्चों की खुद की मेहनत है, दे हैव नॉट बीन पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द आउटस्टेशन ट्यूशन सिस्टम। एंड वन थिंग विच आई ऐड फ्रॉम माई स्कूल इज दैट वी आर द लीडर्स विच हैव इनिशिएटेड हाइब्रिड स्कूलिंग। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब थी, जो शायद सबके बस की बात नहीं थी, बट हमारे बच्चों ने भी सपोर्ट किया, हमारे टीचर्स के भी एफर्ट्स हुए, और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के हाईटेक होने की वजह से ये इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। बिल्कुल, मैं भी एक बार फिर से शुभकामनाएं दूंगा इस पूरे स्कूल को। और बच्चों से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ और भी बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है।
मुस्कान, कौन सी क्लास में आप? मैं टेंथ का पेपर दिया है अभी। अच्छा, वेरी गुड। तो कितने नंबर आए आप? 97.4%। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितना सपोर्ट रहा स्कूल का और फैमिली का, क्या आप बताएं? स्कूल का सपोर्ट डेफिनेटली रहा, स्कूल ने हमें गाइड किया, मोटिवेट किया, और नोट्स, जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है, जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमें, क्योंकि एज स्टूडेंट हमें टेंथ हमारे लिए ना एकदम नई होती है, क्योंकि एट्थ होता है एक एट तक एक फेज़ होता है, नाइन्थ और टेंथ अलग हो जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब ऐड होता है। तो टेंथ में जब आए तो एक था कि एक होता है कि नॉर्म की टेंथ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि बोर्ड्स देने होते हैं तो सब ये बोलते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, हम पढ़ें, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो वही स्कूल वालों ने हमें गाइडेंस दी कि पढ़ना किस तरह से है। बाकी फैमिली तो बिल्कुल, मैं तो बोलूँगी, एक मेरा वो था ना कि स्ट्रेस रिलीफर, तो वो थे मेरे हर वक्त की, जब पढ़ के जब ओवर बर्डन हो जाता था या फिर जब बड़े डिस्टर्ब हो जाते थे पढ़ पढ़ के, हो जाता है कभी कभी, तो रिलैक्स करने के लिए बोलते थे। यहाँ सपोर्ट फैमिली का डेफिनेटली बहुत रहा। बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। और मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं दूंगा सभी स्टूडेंट्स को और SP स्मार्ट स्कूल को, जिनके बच्चों ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं। और एक बात जरूर कहूँगा, ये SP स्मार्ट के स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जिनका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। धन्यवाद। राम राम।